हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय किचन। आप सभी को हैप्पी होली। हमारे घर में होली के पहले होली मिलन समारोह रखा गया है और कुछ गेस्ट इनवाइटेड हैं, तो देखिए हमने क्या क्या प्रिपेयर किया है। स्टार्टर पे मैंने यहाँ पे बनाया है सीख कबाब। ये है चिकन का सीख कबाब और ये है वेज की कटलेट। इसमें मैंने कॉर्न और पत्ता गोभी डाल करके बनाया है और साथ में रखी है ये वाटरमेलन। उसको इस तरह से कट करके रखा है, तो ये भी बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, थोड़ा रिफ्रेशिंग लगता है। और इसके साथ ये वाटरमेलन रस बनाया है विद चिया सीड। इसको भी मैं भिगो करके रखी हूँ, ये जब गेस्ट आएंगे तभी प्रिपेयर करूँगी। और मेन कोर्स के लिए मैंने मटन बनाया है जो हमारा ट्रेडिशनल है, बिल्कुल उसी को, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की हूँ। साथ में ये पुलाव बनाई और रोटी, आलू गोभी की सब्जी, दही बड़े, सैलड, आलू की अचार और चटनी। और लास्ट में बारी आती है डेजर्ट की, तो डेजर्ट के लिए हमने यहाँ पे बनाया है मालपुआ विथ रबड़ी, गुजिया, ये मैंने बाहर से ही मंगाया क्योंकि टाइम काफी कम था, और ये बनाई है पुडिंग। आज होली का मौका है और ऐसे में ठंडे पीते हैं, तो मैंने ठंडे की रेसिपी पहले शेयर की थी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी मैं लिंक भी दे दूंगी, वहां से आप चेक कर सकते हैं कि ठंडे कैसे बनता है। लेकिन होली में भांग वाली ठंडे ही ज्यादा चलती है, तो अभी हमारे भैया आए हुए और वो बताएंगे कि भांग वाली ठंडे कैसे बनती है। नमस्कार। भांग हमारे राज्य में लगातार हमेशा हर जगह लिया जाता है, लेकिन होली का खास मौका है, बिना भांग का ठंडई बन नहीं सकता, ऐसा हमारे यहाँ का प्रचलन है। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि भांग को हम लोग ठंडई में कैसे मिलाकर बनाते हैं। ये देखिए, ये है पिसा हुआ शुद्ध भांग। भांग पता ही होगा आपको कि ये एक पौधे से निकलता है और ये भोले बाबा का प्रसाद भी है। ये शुद्ध गोली पिसा हुआ, जिसको हम लोग इसमें थोड़ा चूर कर उसमें थोड़ा पानी मिलाएंगे और पानी मिला के इसे हाथ से मथकर बिल्कुल लिक्विड बना देंगे। ऐसे भांग अगर प्योर स्थिति में पिया जाए तो ये थोड़ा गले में लगता है, इसीलिए पिसे हुए बादाम के साथ और ठंडई के सारे जो भी उसमें जाता है वो सारे चीज़ों के साथ इसको डालकर मीठे के साथ स्वाद अनुसार मीठा मिला करके पिया जाता है। और आप कितने ग्लास पिए ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, आपकी क्षमता पे डिपेंड करता है, पर एक दो ग्लास पीने से इस डाइल्यूशन के साथ कुछ होता नहीं है। ठंडई का मसाला यहाँ तैयार है, जिसमें बादाम, खसखस और बहुत सारे ऐसे जो भी इंग्रेडिएंट्स है जो नीलू ने पहले बताया था, वो सारा इसमें बहुत बारीक पीसा हुआ है। आप देख सकते हैं बिल्कुल ये मक्खन के जैसा लग रहा है। अब हम इसको मिलाएंगे दूध के साथ, तो करीब करीब ये 750 ग्राम मसाला है और ये करीब 1.5 से 2 लीटर दूध में मिलाएंगे। अच्छा हाँ, अब कुछ लोग चीनी लेते हैं, मीठा पसंद करते हैं, तो हम लोगों ने पहले से थोड़ा चीनी इसमें मिलाया हुआ है। स्वाद अनुसार आप उसे ना भी डाले या अगर डाले भी तो अपने स्वाद अनुसार जितना डालना है वो डाल सकते हैं। अब इस पूरे मसाले को दूध में डालकर इसको खूब अच्छे से मिलाया जाएगा और तो हाथों से खूब अच्छे से मिलाएं, बिल्कुल इसको इस तरीके से मिलाएं हाथ से कि दूध और पिसा हुआ बादाम बिल्कुल एक हो जाए और एक गाढ़ा वो मतलब इसका कंसिस्टेंसी बिल्कुल गाढ़ा हो जाना चाहिए। और अब इसमें एक मैजिक इंग्रेडिएंट जो आज का खास है वो हम मिलाएंगे, ये है पानी में भिगोया हुआ शुद्ध देसी भांग जो हल्के हरे रंग का है, और ये हम इसमें मिलाएंगे और मिलाकर हल्के हाथों से फिर इसको मिला करके अब ये जो है ये बिल्कुल भोले बाबा का प्रसाद, ठंडई कहिए, भांग कहिए, जो कहिए, तैयार है। और आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा कि भांग के साथ एक गतिविधि की जाती है,
जब दो पतीले के बीच में इसको इस तरीके से खींचा जाता है तो वो फिल्मी गाना याद आता है, जय जय शिव शंकर कांटा लगे ना कंकर। तो आपको भी याद आ रहा होगा, हमारा हाथ उतना सधा हुआ नहीं है इसलिए हम उस तरीके से कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये बनता ऐसे ही है। जय जय शिव शंकर, जय भोले शंकर। इतना भांग कहां से, मात्र 5 रुपए। ये सारे चेयर्स कर रहे हैं, ये चेयर। जय भोले ना, जय बम बम भोले। तो आप सब हमारा वीडियो देखते रहिए, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले, और इसे ज्यादा से ज्यादा इस पे कमेंट करें जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और आपको कौन सी रेसिपी चाहिए वो आप कमेंट में जरूर लिखें। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।